नमस्ते एवरीवन, आप सभी को महाशिवरात्रि की अमृत वेला की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड वी विल सेलिब्रेट टुडे द महाशिवरात्रि विद ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। तो अभी होली देखिए आने वाली है, और होली में हम जो है मथुरा की होली, ब्रजवासियों की होली सेलिब्रेट करते हैं, लॉर्ड कृष्ण राधा की होली जो है सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो है हम महाशिवरात्रि में भगवान शिव को जो है जल दूध पंच मेवा के साथ में जो है उनको हम पुष्प और अलग अलग प्रकार के रंग जो है वो अर्पित करते हैं। तो आज से ही जो है हमारे जीवन में जो है खुशियाँ आती हैं, अलग अलग प्रकार की अलग अलग रंगों की खुशियाँ हमारे जीवन में आती हैं, और ये हमारा पूरा वर्ष जो है हमारा बहुत ही शुभ और मंगलमय रहता है। और आज मैं जो है संगीत के बारे में, मैंने म्यूजिक्स और साउंड वाइब्रेशन के बारे में आपसे पहले भी बात की थी। तो यूज़ुअली क्या होता है कि संगीत में जो हम शब्दों का चुनाव करते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यूज़ुअली आपने देखा होगा कि जब दुर्गा जी का जागरण होता है या कोई भी हम कोई कथा करते हैं या कुछ करते हैं तो उसमें भगवान के गाने बजते हैं। तो आपने देखा होगा कि आजकल यूज़ुअली भगवान के गाने जो हैं या दुर्गा जी के गाने जो है वो फिल्मी गानों पे आधारित होते हैं। मतलब उसमें वर्ड्स चेंज होते हैं लेकिन म्यूज़िक जो है वो वही फिल्मी गानों के जैसा होता है। बट मुझे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है, एंड वी हैव टू करेक्ट दैट। क्योंकि जब आप जागरण कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भगवान की प्रतिमा होती है, लेकिन जो जागरण कराने वाले होते हैं वो जब गा रहे होते हैं तो वो भगवान के शब्द आ रहे होते हैं लेकिन बैकग्राउंड में जो है वही म्यूज़िक चल रहा होता है। तो ये ठीक नहीं है। मुझे तो लगता है आज भगवान के आशीर्वाद से जितने भी सिंगर्स हैं वो गाते हैं, जितने भी राइटर्स हैं वो लिखते हैं, जो जितने भी कंपोज़र्स हैं भगवान के आशीर्वाद से जो है करते हैं। और आज भगवान गॉड हैज़ गिवन एबिलिटी टू राइट एंड सिंग, तो व्हाई नॉट वी पुट द ओरिजिनल सॉन्ग्स फॉर लॉर्ड, फॉर अ गॉड। क्यों नहीं हम भगवान के लिए वो गाने लगाएं, क्योंकि भगवान ने ही हमें वो सामर्थ्य दिया है गाने का और लिखने का। और हम अलग से भी जो है भगवान के गाने बनाते हैं, लेकिन क्यों नहीं हम भगवान के लिए वो गाने यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आप सभी को जो है होली की एडवांस शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और होली आने ही वाली है और आज महाशिवरात्रि का पर्व है। हम सभी अपने परिवार के साथ महाशिवरात्रि का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाएंगे और भगवान का ढेर सारा आशीर्वाद पाने का अथक प्रयास करेंगे। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन। आधा मेरा ऐसे हो पूरा चंद्रमा, ओ तारा तेरा एक तारा मेरा बाकी अंधेरा आसमां। न तेरे संग लगे बांधे जब पीपल पे धागे, ये सुरन के धारे बहते हैं नजरे बचा के। बदरंग में सतरंगा है इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है इश्क रे। बदरंग में सतरंगा है इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है इश्क रे।
चला के वो आधे झूठे वादे ले जा तू कसमे लगा के रग रग में मलंगा है इश्क रे क्यों लहू में ही रंगा है ये इश्क रे हो बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे जो भी मैं और गंगा है ये इश्क रे सारे यादे पानी में आज बहा दे ये तेरी भीगी आंखें रख लूं लबों से लगा